दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पेपल के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और पेपल जो होता है बेसिकली इंटरनेशनल पेमेंट जो आपको रिसीव होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसी के अंदर जो आपके इंटरनेशनल ऑर्डर्स होते हैं तो वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के अंदर जो आप पेपल अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसी में कुछ अमेंडमेंट पेपल की ओर से किए जा रहे हैं। तो वो कब से इसमें इफेक्टिव होंगे और इसके साथ ही वो कौन कौन से ऐसे अपडेट्स हैं या अमेंडमेंट हैं जो कि आपको कुछ इसमें ध्यान में रखना है, तो इसके बाद मतलब पेपल का ये जो होता है अपडेट आप देखेंगे कि इन्होंने 25 अप्रैल को ही ये नोटिस जारी कर दिया था कि हम जो है इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। और ये भी जो नोटिस होता है अमेंड होता है इसमें अमेंड्स इन ऑफ द इंडियन पेपल एग्रीमेंट्स, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी जो पेपल यूज़ करते हैं उन सब सेलर्स के लिए ये थोड़ा सा अमेंडमेंट की नॉलेज होना थोड़ा सा कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की होनी चाहिए कि पेपल ने क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किया है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि अपकमिंग जो चेंजेस हैं वो इसमें आने वाले हैं, अभी चेंजेस इसमें हुए नहीं है लेकिन ये भी आने वाले हैं, यानी कौन कौन सी डेट को ये आएंगे वो चीज़ भी नीचे इन्होंने दे रखी है। और इसमें सबसे पहले इन्होंने दिखाया है कि एक्शन नीडेड, यानी आपको इसमें क्या करना होता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। तो इन्होंने आपके सामने ये पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि हमने इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया है अगर आप हमारी इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर आप हमारे साथ में अगर हमारी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है या अमेंडमेंट्स अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो इफेक्टिव डेट से पहले अपना पेपल का अकाउंट आप बंद कर दें। तो साफ साफ इन्होंने ये कहा कि आपके हैंड से केवल दो ही ऑप्शन है, या तो आप इनकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो या अपना पेपल का अकाउंट बंद कर दो। दो चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी है कि अगर या तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्ट ही करनी है क्योंकि पेपल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कंटिन्यू तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करना चाहते तो अपना पेपल का अकाउंट आप बंद कर सकते हैं। ये इन्होंने लिखा है यहाँ पे। और नोटिस आप देखेंगे कब का इशू किया गया था, इन्होंने 25 अप्रैल 2024 को ये नोटिस इशू किया गया था। और इसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि रिमूवल सॉफॉल्ट, यानी सॉफॉल्ट क्या करता है कि एक अल्टरनेटिव जो पेपल के थ्रू कोई भी पेमेंट अगर करते हैं तो उस केस में सॉफॉल्ट जो होता है एक तरह का पेमेंट गेटवे होता है जो कि पेपल के अल्टरनेटिव पेमेंट जो था ये यूरोप कंट्रीज जो होती है उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब पेपल ये कहता है कि हम जो है इसको 28 मई यानी आप देखेंगे कि ये सॉफर्ड जो कंपनी है इसका जो पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे थे अल्टरनेटिव पेमेंट के लिए ये 28 मई 2024 से पेपल इसको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि अब तक आप देखते हैं कि कोई भी अगर अल्टरनेटिव पेमेंट जो होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी बहुत बड़ा बड़े लेवल का जो है मतलब पेमेंट गेटवे है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम इसमें जो है अपना एग्रीमेंट के अंदर जो होता है कि ये 28 मई के बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी नहीं होगी। तो ये स्पेशली इंडिया के लिए है, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो इसका काफ़ी यूज़ होता है तो इंडिया के अंदर ये पेपल इसको बंद कर रहा है, पहली चीज़ तो ये है। और इसी के साथ इन्होंने लिखा है कि पेपल की जो अमेंडमेंट जो होता है यानी क्या होता है कि अब सॉफ्टवेयर जो होता है इसकी जो पॉलिसीज होती है यानी पेपल के जो यूज़र्स होते हैं उनकी इनकी पॉलिसीज़ को इन्होंने इसमें अमेंडमेंट करना है। तो वो अमेंडमेंट कब से इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 13 जून 2024 से, यानी कि पहले ये कह रहा है कि आपको 28 मई जो है इससे तो ये सॉफ्टवेयर जो पेमेंट गेटवे है इसको बंद करेगा, और बंद करने के बाद में इसकी जो जो पॉलिसीज़ के अंदर जहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर की जो यूज़र्स के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में वो ऐड है उसको रिमूव करेगा। रिमूव करने के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने 13 जून तक का इन्होंने टाइम लिया है, यानी कि 28 मई के बाद में अप्रॉक्स 15 दिन का इन्होंने टाइम लिया है कि इसको बंद करने के बाद में 15 दिन के बाद में ये यूज़र एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर ये अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, और वो इफेक्टिव हो जाएगा 13 जून के बाद में। ये वाली जो जितने भी इसकी जो अमेंडमेंट होता है वो डिटेल्स आप इस पॉलिसीज़ के अंदर देख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद में होता है अमेंड्स टू द पेपल बायर्स प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो अब इसमें क्या होता है कि जब इस तरह से सॉफ्टवेयर जो पेमेंट गेटवे अल्टरनेटिव में यूज़ कर रहे थे उसी के बाद में इन्होंने पेपल का जो बायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है यानी कि जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और इसके अलावा और भी जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म हो गए, अमेज़ोन में सेफ्टी क्लेम होता है और इसी के अंदर फ्लिपकार्ट के अंदर SPF होता है, सेलर प्रोटेक्शन फंड। तो यहाँ पर इसी तरह का पेपल के अंदर भी ऑप्शन होता है कि पेपल का जो बायर प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है इसमें यहाँ पर इन्होंने नाम इसका जो NFT होता है, NFT का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखें, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो ये एक तरह का ये करेंसी है, करेंसी का मतलब होता है कि NFT जो होता है ये अगर मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो होती है क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉन फंजिबल
टोकन्स जो होते हैं ये एक करेंसी होती है जो कि आपके जो पेमेंट होता है, यानी कि जितने भी आपका जो बायर आपके पेपल पे जो पेमेंट करते हैं और करने के बाद वो जो करेंसी में कन्वर्ट होके नॉन फंजिबल टोकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो करेंसी होती है वो उसमें मल्टीपल अलग अलग कंट्रीज के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के साथ ही उससे सेल और परचेज दोनों ही कर सकते हैं। तो ये स्पेशली जो बायर होते हैं उनके लिए ये करेंसी के अंदर आपका जो बायर का जो पेमेंट होता है उस करेंसी में कन्वर्ट करके रखते हैं और उसी का जो पेमेंट होता है वो उसमें बायर को और सेलर को जो है जब कोई भी इसमें डिस्प्यूट होता है तो ये वाला जो ऑप्शन होता है उसको यूज़ करके बायर को पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये चीज़ होगी। और इसके अलावा इन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन लिखा है कि हम जो सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है यानी कि कब जब भी कस्टमर को कोई भी ऑर्डर अगर डिलीवर्ड हो जाता है तो उसे 30 डेज का जो इसमें डिलीवरी टाइम पीरियड होता है कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, या ऑर्डर प्लेसिंग से लेके 180 डेज तक का इन्होंने जो टाइम दिया गया था उसमें भी ये कहीं तरह कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी वो पॉलिसी एज इट इज़ है जो कि पहले थी वही पॉलिसी अभी इसके अंदर यहाँ पर है। अब इसके बाद में ये जो होता है कि अमेंडमेंट जो होता है सेलर प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो होता है, अब इसमें इन्होंने ये लिखा है कि सेलर प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो होता है ये 13 जून 2024 से इसमें इफेक्टिव हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि ये पेपल का जो होता है नॉन फंजिबल टोकन्स जो होता है यानी NFTs जो होता है, इसमें इन्होंने लिखा है साफ साफ कि आपका जो NFTs होता है यानी नॉन फंजिबल टोकन्स जो होता है यानी वो जो करेंसी होगी इसमें जो ट्रांजेक्शन की जो लिमिट दी गई है इन्होंने साफ साफ लिखा है कि $10,000 यानी $10,000 और उससे कम का जो होता है यानी कि जो कोई भी आपका ऑर्डर की वैल्यू अगर $10,000 या उससे कम का कोई भी अगर अमाउंट होता है तो वो आपका NFTs के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वो अमाउंट जो होगा NFTs के अंदर आपका क्राइटेरिया है। अगर इससे अबव अगर आपका कोई ऑर्डर वैल्यू होती है $10,000 से अगर ऊपर का होता है तो वो इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा, और वो भी जब आएगा जब कोई भी अगर बायर जो होता है अगर इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं करता है तब जाकर के वो इसको ऑथराइज जो होता है आपका ट्रांजेक्शन वो माना जाएगा। अगर बायर ने कंप्लेन कर दी तो इस केस में ये अनऑथराइज जो होता है ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पेपल की ये वाली जो कंडीशंस होती है दोस्तों ये कुछ बेसिक से अमेंडमेंट है जो कि आने वाले टाइम मैंने आपको बता दिया अलग अलग डेट को। सबसे पहला अमेंडमेंट सपोर्ट का इन्होंने बताया था कि हम 28 मई से उसको बंद कर रहे हैं और इसके अलावा 13 जून से बाकी के दोनों जो अमेंडमेंट है वो इसमें पेपल के अंदर एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कि आपका इंटरनेशनल जितने भी आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं या पेमेंट आपका जो रिसीव होता है उस केस में ये इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं जो कि आने वाले टाइम के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। अब इसके अलावा एक छोटा सा चेंजेस और है, आप देखेंगे सिप रॉकेट, बात करते हैं अब डोमेस्टिक की। तो डोमेस्टिक में क्या होता है कि सिप रॉकेट पे अगर आप तुमने अपना स्टोर को इंटीग्रेट किया हुआ है या कोई भी अगर आप इसमें अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये इसमें जो पेटीएम का जो बैंक होता है यानी RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अब सिप रॉकेट के अंदर जितने भी आपके COD ऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर जो पेमेंट आपका जो होता है ट्रांसफ़र जो करते हैं वो पेटीएम का अगर कोई बैंक अगर आपने दे रखा है तो वो अब 15 मार्च से आप देखेंगे यहाँ पे इफेक्टिव हो गया है 15 मार्च 2024 से जो है पेमेंट आपका पेटीएम के जो बैंक होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। RBI की जो है रिस्ट्रिक्शंस जो होती है उसके क्योंकि RBI ने पेटीएम का जो बैंक होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस केस में आपको अपडेट करना है अपनी जो जितने भी COD रेमेडीज होती हैं यानी आपके COD ऑर्डर्स होते हैं वो सारे के सारे पेमेंट जो होता है पेटीएम का जो बैंक होता है उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी, कोई दूसरा बैंक आपको इसमें अपडेट करना होगा। तो ये दोनों आप देखेंगे दोस्तों। डोमेस्टिक का भी चेंजेस मैंने आपको बता दिया कि सिप रॉकेट के अंदर पेटीएम का बैंक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब आपकी उसके अंदर पेमेंट नहीं आएगी, सिप रॉकेट के अंदर जो COD ऑर्डर्स होते हैं उनकी पेमेंट। और इसके साथ ही पेपल का जो होता है वो अमेंडमेंट मैंने आपको पॉलिसीज की जो है बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि क्या क्या इसमें चेंजेस होने वाले हैं। और इसी के साथ पेपल का आप देखेंगे इस तरह से जितने भी सेलर होते हैं उनको ये मेल रिसीव होती है, मेल के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड होता है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये वाली जो पॉलिसीज का जो पेज होता है वो आपको देखने को मिलता है। ये पॉलिसीज का जो पेज है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।